मैं प्रिंसिपल डॉक्टर वसंत माली, जे वाटूमल साधु बेला गर्ल्स कॉलेज उल्लासनगर, हमारे साधु बेला एजुकेशन सोसाइटी के कैंपस में एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्शन हमने यहाँ जो गवर्नमेंट ने युवा स्वास्थ्य मिशन चला है 15 से 18 बरस के जो स्टूडेंट है, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे जूनियर कॉलेज के, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, इनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी उल्लासनगर एक, इनको साथ में लेके एनएसएस डिपार्टमेंट जे वाटूमल साधु बेला गर्ल्स कॉलेज उनकी तरफ से हमने वैक्सीनेशन ड्राइव 8 तारीख और 10 तारीख को साधु बेला कॉलेज के कैंपस में रखा है। ये सब गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपलसरी मास्क, सैनिटाइज़र, वो सब रूल के अंडर हमने ये काम किया है। मैंने ये मेरा मास्क जो है मेरा इंटरव्यू के लिए थोड़ा नीचे लिया है, लेकिन मास्क ये कंपलसरी है। मास्क लेते वक्त बच्चों ने भी पूरा ख्याल रखा है कि कंपलसरी मास्क वियर किया है, सैनिटाइज किया हुआ है। और हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, इन्होंने भी कल से जो इंतजाम है वैक्सीनेशन का, वो प्रॉपरली इंतजाम उन्होंने किया है। और आज कम से कम 350 से ज़्यादा बच्चों को साधु बेला गर्ल्स कॉलेज में वैक्सीनेशन ड्राइव के अंडर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जो है वहाँ के नाइक मैडम, जो डॉक्टर नाइक, उन्होंने बहुत हेल्प किया, उनके स्टाफ ने बहुत हेल्प किया। और मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं 15 से 18 बरस तक के, उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट कीजिएगा, उनको वैक्सीनेशन कंपलसरी करवाइएगा। और जो कोविड का जो है, उनके कोविड से प्रोटेक्शन खुद का भी और अपना फैमिली का भी करें। इसलिए मैं सब पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चे हैं 10 तारीख को फिर हमने 11th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ड्राइव मंडे को रखा है 10th तारीख को। उसी दिन जो बच्चे रहे हैं उल्लासनगर में साधु बेला स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के जो बच्चे वैक्सीनेशन जिन्होंने लिया नहीं है, वो बच्चों को सोमवार के दिन 11 बजे भेज दीजिएगा और वैक्सीनेशन लेने के लिए बच्चों को प्रमोट कीजिएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।